Good morning everyone. In B.Sc third year का class में physics का myself Madhvi Shrimali. आप लोगों का आज का topic है transverse nature of electromagnetic waves. इसको proof करने से पहले आप लोग electromagnetic waves जो है Maxwell equations की help से derive कर चुके हैं. अब इस transverse wave के derive करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि एक free space है. Free space में स्पेस है, इस फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड एच दोनों ही वेव्स प्रोपगेट करते हैं, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स नेचर उसका निकाला जाएगा. इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक मैक्सवेल की इक्वेशंस जो है वो पढ़ चुके हैं. मैक्सवेल्स इक्वेशन दैट इज डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू डेल ई, जो हम पहले इक्वेशन के लिए पढ़ चुके हैं. लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रांसवर्स नेचर निकालना है हमें, तो ट्रांसवर्स नेचर निकालने के लिए थोड़ा सा इसको मुझे मॉडिफाइड करना पड़ेगा. आप लोग इसके लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हो कि दैट ई जो कि आर कॉमा टी के लिए हम लोग दिया कर चुके डेल्टा एक ऑपरेटर डाले ऑपरेटर. तो फॉर डेल्टा के लिए हम लोग लिखते हैं आई डेल बाय डेल एक्स जी डेल बाय डेल वाई प्लस की डेल बाय डेल जेड. चूंकि ई को आर कॉमा टी के रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, इसकी प्रीवियस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड के साथ वो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उसी इक्वेशन का यूज यहाँ पर करेंगे. तो ई की जगह जो वैल्यू हम करेंगे दैट इज ई जी यू की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी. ई जीरो की आर के जो थ्री डायमेंशन वेव इक्वेशंस में है, तो ई जीरो को भी यहाँ पर हमने आर से रिप्रेजेंट करना है. इसको समझने के लिए एक तो हमने डेल क्या लिखा है डेल एक्स प्लस जी डेल बाय डेल वाई और की डेल बाय डेल जेड. इसकी प्रीवियस इक्वेशन से इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम प्रूफ कर चुके दैट इज ई जी यू ई की पावर की डॉट आर माइनस ओमेगा टी की वैल्यू को प्रूफ कर चुके. इसी का डॉट प्रोडक्ट लेने से पहले आपकी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके. इक्वेशन मीन्स डेल डॉट आर कॉमा टी I del by del x g del by plus e del by del z dot product I e 0 x plus e 0 y or key e 0 z is open to kill it. After the g p key work name to e key power I सिद्धे तो आई के एक्स प्लस जी के वाई प्लस के जेड बनेगा डॉट आई एक्स प्लस जी वाई प्लस के वे एन माइनस ओमेगा पूरी इक्वेशन सॉल्व आई डेल बाय डेल एक्स plus g del by del del by del z dot. जब इस इक्वेशन को अगर मैं डिराइव करती हूँ तो उसके पहले आता है आई एक्स प्लस जी ई जीरो वाई प्लस के ई जीरो जेड ई की पावर आई एक्स का एक्स में होगा दैट इज एक्स की एक्स वाई की वाई और z की z माइनस ओमेगा. अब इस डेल ऑपरेटर को अंदर लगा लेते हैं, जो डेल ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तब आई कंपोनेंट तो एज इट इज आएगा. आई कंपोनेंट है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आई की जा रही है. सो हियर इज के एक्स ई एक्स डिफरेंशिएशन होगा कॉन्स्टेंट टर्म
will remain after forming EG X EG5. EG5 is the problem here. Is correct translation coming e to power as it is here, then KXI plus KY EG5 plus KY is for factor e power I. इसको एक बार करके k dot आपके formula के अंदर minus omega. दोनों यहाँ एक combined के अंदर हैं. इस पूरी equation को अगर separate form में लिखो, तो separate form में dot product बन जाता है. That is k vector dot e zero vector e to power I k dot. यहाँ पर एक ये इसी वैल्यू को मैं फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ. दैट इज आई के डॉट ई जीरो ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा. ये इक्वेशन बनेगी. ये इक्वेशन कंप्लीट अभी सॉल्व नहीं है. उसको अगर आगे फर्दर लिख दूँ तो मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ. डेल डॉट ई आर कॉमा थ्री इक्वल्स टू आई कंपोनेंट ई डॉट डॉट ई वेक्टर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको रिप्रेजेंट कर लूँगी के डॉट फॉर्म में. इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ. डेल डॉट ई is equal to k dot. आपका k dot जो है वो propagation constant k की form में convert हो गया. Similarly, I can write. Del dot जो है h बराबर की डालती है तो उस पूरे की value किसके बराबर हो जाएगी. H की वैल्यू के बराबर क्योंकि डेल डॉट है. इट मीन्स दैट E इज परपेंडिकुलर टू K है एंड H इज परपेंडिकुलर टू K क्योंकि E जो है प्रोपगेटेड वेव इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट के परपेंडिकुलर है.